वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ वर्कर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्व में जो डेफिनेशन ऑफ वर्कर है वो क्या है आइए उसे देखते हैं तो जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन टू है तो उसमें लिखा है वर्कर एंड वर्कमैन मीन पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिशन ऑफ एम्प्लॉयर तो सीधी सीधी बात जो पहले उन्होंने बता दी है कि वर्कर और वर्कमैन से मुराद वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते और ये लोग जो हैं ये एम्प्लॉयड किए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में एज सुपरवाइजर और एज एन अप्रेंटिस और ये एम्प्लॉय किए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री में फॉर हायर और रिवार्ड और इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ईधर डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर है और आगे ये बताया जा रहा है वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लाइड एक्सप्रेस क्या चीज होती है वो बातें जो लिख कर बोलकर तय की जाए वो एक्सप्रेस होती हैं और इम्प्लॉयड वो बातें होती हैं जो लिखकर और बोलकर नहीं तय की जाती बल्कि अंडरस्टूड होती हैं एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बिन डिसमिस्ड तो वर्कर और वर्कमैन की डेफिनेशन में ऐसे वर्कर्स को भी शामिल किया जा रहा है जो कि डिसमिस्ड हो चुके हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं रिट्रेंचड हो चुके हैं लेड ऑफ हो सके हैं हो चुके हैं या अदरवाइज रिमूव्ड फॉर एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है इन कनेक्शन विद और एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट डिस्प्यूट और हुमिसल डिस्चार्ज रिट्रेंचमेंट ले ऑफ और रिमूवल हैज लेड टू दैट डिस्प्यूट अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है और उसके रिजल्ट में कोई डिस्चार्ज हो चुका है कोई डिसमिस्ड हो चुका है वर्कर कोई वर्कर रिट्रेंचड हो चुका है कोई वर्कर लेड ऑफ हो चुका है तो वो लोग भी वो वर्कर्स भी वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं ये जो डेफिनेशन है वर्कर या वर्कमैन की वो कहती है कि वर्कर या वर्कमैन में ये जो लोग मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शामिल नहीं है वो कौन लोग हैं एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉइड मेनली इन मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तो वो लोग जो मैनेजेरियल कैपेसिटी में है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है वो लोग वर्कर की डेफिनेशन में हरगिज हरगिज नहीं आते तो एम्प्लॉयर को निकाल दिया गया है कि वो वर्कर की डेफिनेशन में हरगिज नहीं आता एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या कहती है कोई शख्स या बॉडी ऑफ पीपल जो कि इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं हैं जो कि वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं उनको हम क्या कहेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड्स है ऐसे लोगों के वारसान जो लीगल वारसान हैं सक्सेसर्स हैं या असाइनीज हैं इसके अलावा ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आते हैं और ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इस डेफिनेशन में एम्प्लॉयर का जिक्र मौजूद है तो अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट फेडरल गवर्नमेंट रन करती है और फेडरल गवर्नमेंट के, के बिहाफ पर कोई ऑफिसर उसको चलाता है तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आता है कोई शख्स जो के लोकल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी किसी डिपार्टमेंट को चला रहा है वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स जो लव सुपरवाइजर है इसको भी समझना जरूरी है इसको कहते हैं ओवरसियर और अप्रेंटिस को कहते हैं माइडियर ट्रेनी। तो माइडियर स्टूडेंट्स जो टर्म मैनेजर है उसको थोड़ा सा समझ लें इससे मुराद है एक ऐसा शख्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ स्टाफ वेयर आर माइ वेयर एज डियर स्टूडेंट्स वर्कर्स मीन्स अ पर्सन हु डज अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ वर्क और हु वर्क्स इन अ स्पेसिफाइड वे My dear students, the spirit of this very law relates with the issues of workers, not with the issues of managers. This must be noted. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.